विराट कोहली के नाम बस पैगाम है कि वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस करे यहाँ पे, इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। बाबर आजम और विराट कोहली के जो सेंचुरी है दोनों तरफ से मारेंगे तो बड़ा मजा। ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? वो तो सबको पता है, विराट कोहली। हाँ यार, विराट कोहली को वर्ल्ड में माना जाता है सभी लोग, वो बेशक पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, कोई व्हाटएवर कोई भी है, विराट कोहली को बड़ा लाइक किया जाता है। क्या रीज़न है, क्यों इतना लोग उन्हें लाइक करते हैं? विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। हाँ। प्लेयर है और बेसिकली बहुत दुनिया में सब उसको पसंद करते हैं, उसके शॉट पसंद करते हैं, उसके खेल बहुत पसंद करते हैं। जब पाकिस्तान के साथ मैच हो तो उस वक्त बहुत मजा आता है जब मोहम्मद आमिर उसके सामने आ जाए। ओए, ओए, फिर ओए, ओए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो वो हाथ बढ़ाते हैं पाकिस्तान की तरफ और खुले दिल से, आप समझ लें कि दिल साफ करके वो पाकिस्तान के साथ बैठते हैं और क्रिकेट बोर्ड की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, या इस तरह के और भी कई मामले आते हैं हमारे स्पोर्ट्स में, बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्रिकेट भी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और फुटबॉल है, हमारे कई ऐसे खेल हैं, तो अगर भारत अपना जो है ना वो पहल का किरदार अदा करता है तो मेरा ख्याल है हो सकता है, वैसे माइट भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो अरूज पर थी और हमारे खेल के मैदान सजे हुए थे गद्दाफी स्टेडियम। इंशाल्लाह कैसे जीतेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान जैसे बातों से जीतेगा या करके दिखाएगा? अच्छा, किस प्लेयर के ऊपर आपको ट्रस्ट है? बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी मैच विन करेंगे? मैच विन करेंगे और इंडिया को ऐसी धूल चटाएंगे कि आइंदा के बाद इधर आएगी नहीं वो। नहीं ऐसे तो ना बोले कि ना आए, आना तो चाहिए ना, बुलवाएंगे तो धूल चटाएंगे ना भाई। ऐसी वैसी धूल चटानी है बाबर आजम को, पैगाम है कि ऐसी ऐसी धूल चटाए कि याद रख जाए इंडिया, जिस तरह उनके देश ने उन्होंने हमें धूल चटाई उधर जाके। क्या प्लेयर आपको कौन सा अच्छा लगता है? विराट कोहली। आए, विराट कोहली की जब बारी आती है तो फिर आप कहते हैं? मैं फिर विराट कोहली को देखता हूँ, इधर रहता है विराट कोहली। क्या रीजन है, क्यों है इधर रहते हैं? हालांकि है वो इंडियन है, वो फेवरेट है, फेवरेट है वो प्लेयर, आपका फेवरेट है? फेवरेट है ये, उसने रिटायरमेंट दे दी थी, क्रिकेट देखना बंद। अच्छा, वो रिटायरमेंट दे देता है तो क्रिकेट खेलना बंद कर बंद तो बहुत मजा आएगा अगर इंडिया इधर आएगी, खेलने आएगी, हम इंजॉय करेंगे दोनों को देख के। कैसे इंजॉय करेंगे? गुनाह इधर से बहुत, इधर से हम इंडिया से विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग देखेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन टीम भी जो है पाकिस्तान आने के लिए बेताब है और हम भी चाह रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आए। जैसा कि आपको बताता चलूं कि PSL के मैच जब हुए हैं तो यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को नहीं भी मिली। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो 2025 में जो चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है, इंडियन टीम आए तो यहाँ पर जो है वही रौनकें लगेंगी और वही स्टेडियम होगा और वही स्टेडियम में जो है ना इंटरटेन होगा। तो आज हम पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, और गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आने के लिए बेताब है। आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे पाएगी अपनी टीम को? देखिए राणा साहब, पहली बात तो ये है कि जो भारत के मामलात हैं वो आपके भी सामने हैं, नई गवर्नमेंट भी आ गई है, इक्तदार में आ गई है, और स्पेशली जो कॉलिशन गवर्नमेंट है तादी हुकूमत, उसमें स्पेशल जो सबसे बड़ी जो इस टाइम समझ लें कि सीट है, जो एग्जेक्टिव की सबसे बड़ी जो पावर है वो वज़ीर आज़म के पास होती है, वो हैं शहबाज शरीफ साहब। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारे कायम हो हमसाया ममालिक के साथ और हम लोग अपने नेबर कंट्रीज़ को साथ लेकर चलें, लेकिन इस टाइम समझने की ज़रूरत है कि कुछ पाकिस्तान के इंटरनली जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे सरहदी मामलात हैं और भी कई मामलात हैं, उसमें भारत की जो हठधर्मी है, भारत की जो बेहिसी है वो आयां है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना आसान फैसला नहीं होगा, भारत अगर आना भी चाहे, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से हामी भरता है या रजामंदी का इजहार करता है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको पोलिटिसाइज करेगी, इस मामले को इसको सियासत की नज़र कर देगी। तो जब ये मामला सियासत की नज़र हो जाएगा तो ये फिर और पेचीदा मसला बन जाएगा, ये और गंभीर मसाइल खड़े हो जाएंगे और हम एक और जो है क्राइसिस की जद में आ जाएंगे, एक और क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो वो हाथ बढ़ाते हैं पाकिस्तान की तरफ और खुले दिल से
आप समझ लें कि दिल साफ करके वो पाकिस्तान के साथ बैठते हैं और क्रिकेट बोर्ड की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, या इस तरह के और भी कई मामलात हैं। हमारे स्पोर्ट्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्रिकेट भी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और फुटबॉल है, हमारे कई ऐसे खेल हैं। तो अगर भारत अपना जो है ना वो पहल का किरदार अदा करता है तो मेरा ख्याल है हो सकता है, वैसे माइट भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो अरूज पर थी और हमारे खेल के मैदान सजे हुए थे, गदाफी स्टेडियम, हमारा रावलपिंडी स्टेडियम, कराची स्टेडियम, वहाँ पर हमारे मैचेस होते थे। 2007 या 8 तक जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट आपने देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट किस पीक लेवल पर थी। लेकिन जैसे ही वो 2009 में वो वाकया हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ, और उसके बाद जो हमारी क्रिकेट है उसको भी सियासत की नज़र कर दिया गया। तो फिर पाकिस्तान में आपको पता है फिर हालात जिस तरह ख़राब हुए, और इंटरनली हमारे 4-5 साल तो पाकिस्तान में जो खेल थे वो जिस, आप समझ लें कि जिस क्राइसिस में रहे हैं, जिस जो है वो बहरान का शिकार रहे हैं, वो भी सबके सामने है। मुजम्मिल भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, ठीक है, खुद वज़ीर आज़म भी हैं, बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। सऊदीया का भी रुझान पाकिस्तान की तरफ हो गया, अज़रबैजान भी पाकिस्तान की तरफ ध्यान कर रहा है, और रिलेशनशिप भी इनके आपस में मज़बूत होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आती जा रही है, नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन भी बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। कि आपको लगता है कि हमारी और इंडिया की आवाम चाह रही है कि ये ऐसे मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ साहब, वो बहुत हार्ड वर्किंग और बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, और मैं उनकी वर्किंग का इसलिए कायल हूँ कि मैं उनको जो 3 बार उनको देखा है मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वज़ीर आला के तौर पर, जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है वो बहुत अच्छा सूबे के अंदर उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर डिलीवर करके दिखाया। अब वो दूसरी बार वो इस पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। अब लोगों को बहुत सी तवक्कुआत हैं, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो खेल हैं उनको एक बार फिर मुतारिफ करवाया जाए, फ़रोग दिया जाए, और उसके फ़रोग के लिए, उसकी बहाली के लिए वो अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट में रह के। और वो स्पेशली चाहते हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, चूँकि हमारा जो सबसे बड़ा जो इस टाइम प्रॉब्लम है वो ये है कि हम भारत को अपना हरीफ समझते हैं। एक तरफ देखा जाए तो जब हमारे मैचेज़ होते हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, कोई आम सीरीज़ का भी मैच हो, तो लोग क्या करते हैं, दफ्तरों से छुट्टी करके मैच लगा लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो मौत का मसला बना हुआ है, फाइट हो रही है, वो फाइट हो रही है जी। वो अगर 250 का टारगेट भी इंडिया ने दे दिया तो पाकिस्तान ने 250 का जो टारगेट चेस करना है वो भी आपको पता है वो ज़िंदगी मौत का मसला बना होता है। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, उनको चाहिए कि बैठें, अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात को बेहतर करें। और अगर भारत नहीं आता, लेट्स सपोज, मैं वैसे ही एक मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, अगर भारत इस हवाले से पहल नहीं करता तो ज़रूरत नहीं है आप दूसरे ममालिक के साथ रابطہ करें, कोऑर्डिनेशन कायम करें, और आप दूसरे ममालिक के साथ बैठ कर क्रिकेट की बहाली के लिए, उसके फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू मुजम्मिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने अच्छी राय दी है, और भी आवाम यहाँ पर मौजूद है, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाके ओपिनियन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहीमुल्ला। रहीमुल्ला, सही हो गया। क्या करते हैं सर? इधर माल रोड पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा, आपको आप जैसा कि जानते होंगे कि 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको, कैसा सरप्राइज़ देख रहे हैं, कैसी न्यूज़ देख रहे हैं आप? बस बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और सारी टीमें पाकिस्तान आ रही है, एंजॉय करने के लिए मौका मिलेगा। हाँ। और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आनी चाहिए सारी टीमों को, और मुकाबले देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस टीम के लिए आता है? पाकिस्तान किसके साथ खेलता है तो मज़ा आता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो इंडिया के साथ बहुत मज़ा आता है, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ मज़ा आता है। अफगानिस्तान और इंडिया के, इंडिया कैसे इंजॉय करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया को? बहुत ज़बरदस्त इंजॉय करते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आता है। जब पाकिस्तान के साथ मैच होते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। इंडियन कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? वो तो सबको पता है, विराट कोहली। हाँ यार, विराट कोहली को वर्ल्ड में माना जाता है, सभी लोग, वो बेशक पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, कोई व्हाटएवर कोई भी है, विराट कोहली को बड़ा लाइक किया जाता है। क्या रीज़न है, क्यों इतना लोग उन्हें लाइक करते हैं? विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। हाँ। प्लेयर है, और बेसिकली बहुत दुनिया में सब उसको पसंद करते हैं, उसके शॉट पसंद करते हैं, उसके खेल बहुत पसंद करते हैं। जब पाकिस्तान के साथ मैच हो तो उस वक्त बहुत मज़ा आता है, जब मोहम्मद आमिर उसके सामने आ जाए, ओए होए, फिर उसी मैच का बहुत मज़ा आता है। आपको उम्मीद है कि ये पाकिस्तान इंडिया की टीम आएगी?
इंशाल्लाह आएगी, बिल्कुल आएगी, इंशाल्लाह आएगी आएगी। क्या प्यार करोगे इंडियन जब टीम आएगी, क्या पैगाम देंगे इंडियन गवर्नमेंट को आप? बस इंशाल्लाह इंडिया की टीम आ जाए, हम फुल सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह मेहमान नवाजी करेंगे इंडिया टीम के, और अल्लाह करे आ जाए। चले जी, मेहमान नवाजी भी होगी, इंडियन टीम भी आएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो है पूरी उम्मीद है कि इंडियन टीम आए और मैच का जो है ना बोल बाला हो, मज़ा दुबाला से हो और इंजॉय कर सके। क्यों कि इंडिया की एक एक बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, सभी चीज़ों पे ना जो है फाइट होती है और मज़ा आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। मोहम्मद मोइस। मोहम्मद मोइस, आप मैच तो देखते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। कितना शौक रखते हैं? बहुत। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान में 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है और इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, तो उस मैच को कैसे इंजॉय करेंगे? इंजॉय तो बहुत करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा हमारे को। क्या फ़ायदा होगा? अगर ये पाकिस्तान जीत गए हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। ये पाकिस्तान जीतेगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कैसे जीतेगा पाकिस्तान? बातों से जीतेगा या करके दिखाएगा? अच्छा, किस प्लेयर के ऊपर आपको ट्रस्ट? बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी मैच विन करेंगे? मैच विन करेंगे और इंडिया को ऐसी धूल चिटाएंगे कि आइंदा के बाद इधर आएगी नहीं वो। नहीं, ऐसे तो ना बोलने के, ना आए, आना तो चाहिए ना, बुलवाएंगे तो धूल चिटाएंगे ना भाई। ऐसी वैसी धूल चिटानी है। अच्छा। बाबर आजम को पैगाम है कि ऐसी ऐसी धूल चिटाए कि याद रख दे इंडिया, जिस तरह उनके देश ने उन्होंने हमें धूल चिटाई उधर जाके। क्या धूल चिटाई थी यार? हेलो, मजाक ना करें, अपना काम करें। कैसे अच्छा बोले आप, कैसे उन्होंने जब वर्ल्ड कप खेलने के आपके सामने कारकर्दगी थी कि पाकिस्तानी प्लेयरों की मीम भी बनाई थी उन्होंने। हाँ जी, आवाजें लगा रहे थे, आटा 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 आटा, बाप बाप, अब पाकिस्तान इंडिया आएगा ना, हम बैटिंग से जवाब देंगे उन्हें। नहीं तो इंडियन प्लेयर आपको कौन सा अच्छा लगता है? विराट कोहली। आए, विराट कोहली की जब बारी आती है तो फिर आप कहते हैं? मैं फिर विराट कोहली को देखता हूँ। क्या रीज़न है यार? आप 10वें 11वें जो है पाकिस्तानी है जो कि विराट कोहली को लाइक कर, इधर रहता है विराट कोहली, क्या रीज़न है, क्यों है इधर रहता है? हालांकि वो इंडियन है, वो फेवरेट है, फेवरेट है वो प्लेयर, आपका फेवरेट है? फेवरेट है ये। उसने रिटायरमेंट दे दी थी, क्रिकेट देखना बंद। अच्छा, वो रिटायरमेंट दे देता है तो क्रिकेट खेलना बंद कर बंद तो क्या पैगाम है फिर इंडियन गवर्नमेंट से कि वो उन्हें इजाज़त देनी चाहिए कि पाकिस्तान आए और आगे इंडियन खेले? जी बहुत मज़ा आएगा अगर इंडिया इधर आएगी, खेलने आएगी, हम इंजॉय करेंगे दोनों को देख के। कैसे इंजॉय करेंगे? कुछ हम इधर से बहुत इधर से हम इंडिया इंडिया से विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग देखेंगे। कोई विराट कोहली के नाम कोई पैगाम तुम? विराट कोहली बेस्ट ऑफ लक, आपने अच्छा खेलना है, बहुत अच्छा खेलना है। विराट कोहली के नाम बस पैगाम है कि वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस करे यहाँ पे, इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। बाबर आजम और विराट कोहली के जो सेंचुरी है दोनों तरफ से मारेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते कल नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राणा नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।